Cognitive Behavior Therapy is a specific therapy for patients of OCD. Exposure and response prevention is another part of this treatment program. Plus, और तरीके की चीजें भी हैं, अलग-अलग काउंसलिंग्स हैं जो OCD में फायदा करती है। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about OCD, Obsessive Compulsive Disorder. लेकिन ये होता क्या है? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे OCD हो गई है? या फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? या फिर कौन सी हैबिट मेरी OCD में चेंज हो गई? बहुत सारे कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के आंसर्स देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगंधा. So, welcome to the show, ma'am. Thank you. And कैसे हैं आप? I'm good. I hope you're well. Yes, ma'am. I'm good. मैम, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है, आई डोंट नो कि इट्स रियली अ बीमारी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सबको, हमारा यूथ हो या फिर हमारे बड़े लोग हैं, सबको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि हम जो कर रहे हैं रोज में, जो हमारी हैबिट बन चुकी है, क्या हम उस चीज को ओसीडी का नाम दे सकते हैं या नहीं. सो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ओसीडी होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ओसीडी हो गया. ठीक बात है. सबसे पहले तो विदुषी, ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि हम कैसे जाने कि हमारी हैबिट है या कोई डिसऑर्डर है. जनरली हम आम भाषा में कह देते हैं ना कि मुझे तो, मैं ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान है ना, उसे तो टाइम का बड़ा ऑब्सेशन है. तो क्या वो बीमारी है या वो कोई डिसऑर्डर है या वो नॉर्मल चीज है, कैसे समझा जाए? देखिए, एक सरल तरीके से समझते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि आई एम ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान, तो मान लीजिए फिर ऑब्सेस्ड विद शाहरुख खान इसका क्या मतलब है? आप उसकी फोटोज फोन में सेव करेंगे, उसके पोस्टर्स रूम में लगाएंगे, उसकी हर मूवी देखने जाएंगे, उसके डायलॉग्स दोहराएंगे, उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाएंगे, है ना? तो ये ऑब्सेशन है. लेकिन जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब आप शाहरुख खान को थोड़ी देर पीछे रख के अपने एग्जाम्स पे फोकस कर पाएंगे, है ना? पापा है, पापा स्ट्रिक्ट है, उनके सामने शाहरुख खान की पिक्चर शायद नहीं लगाएंगे, है ना? गर्लफ्रेंड को शाहरुख खान से ज्यादा आमिर खान पसंद है तो उसके सामने आप थोड़ा सा लो हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्सेशन या हैबिट थोड़ी बहुत हर एक को हर चीज से होती है. कोई चीज ज्यादा पसंद है, कुछ कम पसंद है, लेकिन समय आने पर आप उसको पीछे कर पाते हैं, वो आपकी डेली एक्टिविटीज में हिंड्रेंस नहीं करती है. ओसीडी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. वो डिसऑर्डर तब बनता है जब कोई ऑब्सेशन आपके लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि नंबर वन, वो आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफियर करने लगे. कि मैं तो साफ सफाई के लिए लेकर के इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम में मैं टेबल को क्लीन किए जा रही हूँ, लॉस्ट वन आवर ऑफ माय स्टडी टाइम, मगर मैं वो छोड़ नहीं पा रही, है ना? नंबर टू, ऑब्सेशन में डिस्ट्रेस होता है. इंसान को खुद फील होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये इलॉजिकल है, मैं क्यों करूँ? शाहरुख खान की फोटो हम एंजॉय करते हैं, राइट? मगर ऑब्सेशन में जब डिसऑर्डर होता है तो इंसान खुद परेशान हो जाता है कि हमें थक गई सफाई करते करते पर मैं रुक नहीं पा रहे, राइट? और सामने वाले को भी ये आपके पहले में और अभी में बदलाव लगता है, ठीक है? देयर से इट इज अ डेविएशन That you were not like this. क्या हो गया तुमको? तुम तो ऐसे नहीं थे, क्या घंटा घंटा पोछा लगाती रहती हो, एक एक घंटा बर्तन मांजती रहती हो, पहले तो नहीं करती थी. तो ये तीन चीजें जो है, डिस्ट्रेस खुद को, सामने वाले को, डिसफंक्शन जो मेरे नॉर्मल दिनचर्या में बाधा डालता है, एंड डेविएशन फ्रॉम माई नॉर्मल फंक्शनिंग फ्रॉम माई प्रीवियस सेल्फ, इज वॉट मेक्स इट अ डिसऑर्डर फ्रॉम एन हैबिट और एन ऑब्सेशन. जी. एंड मैम, जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रेस और हमें उस काम को करना ही करना होता है, चाहे कुछ भी होता रहे लाइफ में. सो अभी अगर हम ऐसे बात करें कि लाइक अगर मुझे पसंद है कि सोने से पहले अपना रूम क्लीन करना है जी, और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज्यादा मेरा मन भी नहीं है और पता है कि सुबह जल्दी उठना है, बट मैं लेट भी गई हूँ और लेटने के लिए आंखें भी बंद कर लिया, बट मेरे माइंड में चल रहा है सफाई 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 सफाई, और फिर मैं उठकर उसको साफ कर ही रही हूँ, तो क्या ये ओसीडी है? ये ओसीडी है, ये बिल्कुल ओसीडी है. देखिए, ओसीडी की एक साइकिल समझते हैं. सबसे पहले आता है ऑब्सेशन. ऑब्सेशन होता है विचार, सोच, है ना? ये सोच विचार, विचार यानी थॉट भी हो सकता है, कोई इमेज यानी चित्र भी हो सकता है.
जब वो विचार बार 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 आता है तो पैदा करता है एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर कि मैंने ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, है ना। अब वो कुछ कुछ भी हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, कुछ अजीब सा इलॉजिकल भी हो सकता है कि मैंने कमरा साफ नहीं किया तो पापा को अटैक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। मगर और फिजिकल एंजाइटी होती है, बहुत बेचैनी, खाना नहीं खाया जा रहा, घबराहट, सर भारी, पसीने आ रहे हैं। और इस एंजाइटी को कम करने के लिए जब हम वो टास्क कर लेते हैं तो वो एंजाइटी कम होती है और हम रिलीफ महसूस करते हैं। तो हम उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो काम करते हैं उसे कहते हैं कंपल्शन। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्सेशन विच इज थॉट एंड अ कंपल्शन विच इज अ एक्टिविटी। एक्टिविटी कैन बी फिजिकल, जो बाहर दिखाई देती है, बार बार सफाई करना, बार बार चेक करना, बार बार ताला चेक करना, काउंटिंग करना। मेंटल भी हो सकती है। मेंटल कैसे, कि आपने अभी जो एग्जांपल दिया कि मैं थक गई हूँ, आंखें बंद है, बहुत गहरी नींद है, लेकिन मुझे घबराहट है, मुझे करना है। उस केस में कोई कोई पेशेंट जो होता है उसे भी क्या सोचेगा, मैं जन्म में 3 बारी इमेज बना लूंगा ना कि मेरा रूम साफ हो गया है, साफ हो गया है, तो मेरा रूम फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा। तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर वाले को पता भी नहीं चलता। तो कंपल्शंस मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, और इनके बीच में जो एंजाइटी आती है वो बहुत डिस्फंक्शन करती है। ओके ओके। एंड कभी भी तो ऐसा होता है कि अपना घर तो ठीक है, आप और किसी के घर में जाकर भी ऐसी चीजें कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिसऑर्डर, कि मुझे पता है मुझे दूसरे के घर पे नहीं करना, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ, मुझे बेचैनी सी होती रहती है। हो सकता है मैं इतनी देर कंट्रोल कर लूँ कि जब तक वो चाय लेने किचन में नहीं गए तब तक तो मैं बैठी हूँ, बट जैसे ही वो चाय लेने के लिए निकलेंगे मैंने उठा के फटाफट वो कुशन सीधा कर लिया, हाथ से झाड़ दिया, देन आई एम कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट इज अ डिसऑर्डर। मैम ये ओसीडी का मैनिफेस्ट कैसे करते हैं अपनी लाइफ में? जी, मैनिफेस्ट से मतलब सिम्पटम्स, साइंस। हाँ, सिम्पटम्स, साइंस एंड ऑल्सो कि ओसीडी क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, देखिए कोई भी मेंटल इलनेस हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो उसमें एक तो 3 मोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हम कहते हैं बायो साइको सोशल। बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिक्स और कुछ न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस। ओसीडी में सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और भी होते हैं, कुछ जेनेटिक हो सकते हैं। बच्चों में जैसे पांडास नाम की बीमारी होती है जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ओसीडी का रिस्क बढ़ जाता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया से। ठीक है, फिर आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल किसी भी स्ट्रेस के बाद भी शुरू हो सकता है, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, तो उसके सारे ऑब्सेशन हार्ट अटैक से सेंटर में केंद्रित है। ठीक है, फिर हो जाता है सोशल, हमारी सोशल सराउंडिंग्स, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हम जो बड़े हो रहे थे हमारे घर का माहौल कैसा था, तो बहुत सारे उस तरीके के पैरामीटर्स हो सकते हैं। अर्ली एज में ट्रॉमा होना, अर्ली एज में पेरेंट का लॉस होना, कोई असॉल्ट होना, तो कई तरीके के स्ट्रेसर्स भी इसमें योगदान देते हैं। अलग अलग मरीजों में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, कभी कभी ये बहुत एविडेंट होते हैं। जैसे ही बच्चा आता है वो हमें बताते हैं मुझे फादर्स की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, तब से मेरा डर बढ़ गया है ना। और कभी कभी आपको कुछ पता भी नहीं चलता है कि ये कॉज रहा होगा या ये ऐसे शुरू हुआ होगा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बहुत ही एविडेंट हो, बट जनरली इन 3 पैरामीटर से ये कॉजेशन डिसाइड होता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बाय बर्थ होता है, ये टाइम टू टाइम। डेफिनेटली ओसीडी मुझे लगता है जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रोग है। क्यों? क्योंकि देखिए साइकियाट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को खुद ही होश नहीं होता कि मैं बीमार हूँ, तो उसमें उसे पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। ओसीडी में मरीज को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, वो पूरा कंट्रोल से उसको रोकना चाहता है, लेकिन उसकी एंजाइटी उसे रोकने नहीं देती। वो जो खुद के साथ उसकी लड़ाई है, और समाज कहता है तो पागल सफाई करती रहती है, ये करती रहती है, तो वो बहुत इंसान को परेशान करता है, बिकॉज ही नोज व्हाट इट इज रॉन्ग विद मी बट ही कैन नॉट स्टॉप। दुनिया भर में कम से कम 2% लोगों में ओसीडी है जी, और ये किसी भी एज में हो सकता है। ज्यादातर ये मिलता है यंग में, बच्चों में और टीनेजर में रिस्क ज्यादा होता है, शुरुआत ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई 30-35 साल का भी व्यक्ति आए, वो कहता है कि मुझे अभी साल भर से ही हुआ, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं पास्ट चाइल्ड हिस्ट्री में, तो हमें पता चलता है कि जी चाइल्डहुड में भी इसको एक बार हुआ था, फिर वो रिकवर हो गया या जैसे भी हो। तो यंग एज इज द मोस्ट रिस्की एज फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ओसीडी। ओके,
ओके एंड मैम ओसीडी जैसे बीइंग अ डॉक्टर आपके पास बहुत अलग अलग केसेस आते होंगे तो ओसीडी में किस किस तरह की ओसीडीज आपने देखी है जी देखिए ओसीडी ना एक सिंड्रोम है एक बीमारी नहीं ठीक है जैसे डिप्रेशन में हम कह देते हैं उदासी मायूसी नकारात्मकता तो सब उसी हिसाब से ओसीडी एक सिंड्रोम की तरह से क्योंकि इसमें बहुत वेरिड प्रेजेंटेशन है बहुत वेरिएबल जो सबसे कॉमन हम लोग जानते हैं वो है साफ सफाई है ना साफ सफाई को लेके कंटामिनेशन को लेके बहुत फियर एक ही जगह बार बार साफ करते रहना एक ही कपड़ा बार बार धोते रहना कहीं जगह बैठना नहीं क्योंकि वो गंदा है इसको छूना नहीं वो गंदा है वहाँ का टॉयलेट नहीं यूज़ करना क्योंकि वो गंदा है नहीं बट हमें लगता है तो एक तो ये हुआ दूसरा होता है चेकिंग कहीं मैंने गैस खुली तो नहीं छोड़ दी कहीं मैं मोटरसाइकिल लॉक करने को नहीं भूल गया और कहीं क्या कहते हैं मैंने पर्स पैसे रख लिए कि नहीं आजकल सबसे कॉमन क्या हो रहा है जो लोग यंग है वर्किंग है ईमेल भेज के मैंने कहीं गलत एड्रेस से तो नहीं भेजा मैंने कहीं प्रॉपरली भेजी है मैंने ये लाइन लिखी है मैंने अपना नाम डाला है तो बार बार चेक करते रहते हैं ठीक है फोन पे मैसेज भेजा फेसबुक पे पोस्ट डाली उसको डाउट करते रहते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं पोस्ट कर दिया इसको कहते हैं डाउट एंड चेक ठीक है कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें चित्र आते हैं इमेजेस आती हैं उस तरीके से जैसे हम कभी कभी कोई मूवी देख के आते हैं मूवी देखी तो कोई सीन बहुत अच्छा लगता है तो हम बैठे बैठे गाना भी चलता रहता है पिक्चर घूमती रहती है उसी तरीके से आते हैं लेकिन ये बहुत ही एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होते हैं ये चित्र कैसे हो सकते हैं ज़्यादातर सेक्सुअल होते हैं है ना सेक्सुअल का मतलब किसी के जेनिटल्स दिखाई दे रहे हैं कभी अपने ही किसी फैमिली मेम्बर के साथ खुद को इमेज आता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं सेक्सुअली कभी ऐसी इमेज आती है कि हम बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं कभी कभी देवी देवता के लिए भी ऐसी इमेज आती है कि वो बिना वस्त्र दिखाई देते ये अपने आप आते हैं हम नहीं सोचते मरीज नहीं सोचता बट अपने आप इस तरीके के चित्र आते हैं और आप खुद सोचिए ऐसे चित्र आएंगे तो इंसान कितना डर जाएगा कितना गिल्टी फील करेगा कितना शर्मिंदगी महसूस करेगा है ये इमेजेस तीसरे तरीके के हैं फिर कुछ होते हैं जैसे कंपल्शंस होते हैं जैसे कि वो आदमी अगर आपके रूम में घुसा है ना तो उसको मैंडेटरीली काउंट करना है कि फर्श पे कितनी टाइल्स है आपके रूम में कितने बटन्स हैं वो सीढ़ी चढ़ते हैं तो काउंट करते जाते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो इतनी बेचैनी होगी उन्हें वापस आ करके करना पड़ता ठीक है फिर लकी अनलकी कलर्स हो गया लकी अनलकी नंबर्स हो गया लकी अनलकी वर्ड्स हो गए क्लोथ्स हो गए कि मैंने अगर हाथ धोने हैं तो मैं चार बार धोऊंगा तो सब ठीक है अगर ऑड नंबर हो गया तो सब खराब हो जाएगा ठीक और इसके अलावा कुछ रिलीजियस होते हैं इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए हम मंदिर के आगे से निकले तो कुछ विचार आता है मैंने भगवान को लात तो नहीं मार दी भगवान की मूर्ति पे थूक तो नहीं दिया कोई नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे विचार आते हैं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है फिर हम उसे करेक्ट करने के लिए या तो एक्सेसिवली पूजा करते हैं या मेंटली बार बार प्रेइंग करते हैं चांट करते हैं ताकि उसका फियर और गिल्ट खत्म हो सके वैसे तो हर ओसीडी में रिसर्च ने पाया है कि एक मरीज को ओसीडी सिम्टम्स आने के बाद मिनिमम 7 to 8 years लगते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में क्यों क्योंकि या तो उसको जानकारी नहीं है या उससे भी ज़्यादा कुछ पता है कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन शर्मिंदगी इतनी है कि वो किसी से कह ही नहीं पाता ना अपने परिवार से ना दोस्तों से और डॉक्टर से तो फिर बाद ही की बात है बिल्कुल जब ओसीडी सीवियर हो जाता है उसके बाद डिप्रेशन सेट इन हो जाता है तब कहीं जाके वो लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो ये जो रिलीजियस और सेक्सुअल हमारे ऑब्सेशंस हैं इनमें ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है एंड ये ओसीडी है बिल्कुल अगर ऐसा हम फील करते हैं तो ये भी ओसीडी का पार्ट है देखो हर एज के साथ सेक्सुअल थॉट्स तो होने नेचुरल है ना तो उसमें हम फैंटेसाइज करते हैं है ना हम किसी हीरो हीरोइन के साथ खुद को देखेंगे अपने किसी स्पोर्ट्स पर्सन बहुत वॉलेंटरी होता है और बहुत इंजॉयबल होता है जो ओसीडी में होती है सेक्सुअल थॉट्स ये बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होती है मॉरली इंसान को लगता है मैं गलत कर रहा हूँ सोशली मैं गलत कर रहा हूँ वो चाहता ही ना आए विचार जब हम फैंटेसाइज करते हैं तो खुद प्ले करते हैं एंजॉय करते हैं वो चाहता ही नहीं आए वो ध्यान लगाता है पढ़ने में टीवी में लेकिन वो विचार रुकते नहीं इसलिए ये ऑब्सेशन ओके कि अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम खुद ही स्ट्रेसफुल हो रहे हैं जी सो दैट इज नॉट फाइन एब्सोल्युटली ओके मैम हाउ इज ओसीडी डायग्नोस्ड देखिए ओसीडी मोस्टली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये बहुत विजिबल भी रहते हैं है ना और मरीज क्योंकि खुद समझता है मेरे साथ क्या हो रहा है तो वो खुद ही डॉक्टर को परिवार को दोस्तों को बताता है तो इट इज मोस्टली एक
क्लिनिकल डायग्नोसिस, पूरी एक हिस्ट्री दी जाती है, बचपन की, फैमिली की, इंसान की, अभी क्या सिम्टम्स हैं, चेक किए जाते हैं, 60 के करीब ऑब्सेशंस होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, परिवार से भी हिस्ट्री ली जाती है, क्योंकि कभी कभी शर्मिंदगी इतनी होती है, पेशेंट हाइड करना चाहता है, तो फैमिली से भी हिस्ट्री ली जाती है ना। पेशेंट कहेगा नहीं मैं तो एक घंटे में नहा के आ जाता हूँ, तो उसके वाइफ बताती है नहीं मम्मी तो ढाई घंटे अंदर रहते हैं, पहले ये बाल्टी धोते हैं, फिर मग्गा धोते हैं, फिर नल धोते हैं, फिर ये टाइल्स धोते हैं, फिर ये नहाते हैं, खुद चार बार नहाते हैं, टंकी का पानी खत्म हो जाता है, साबुन हमारा एक हफ्ते नहीं चलता है, तो वो पेशेंट ही बताएगा शर्मिंदगी में, वो फैमिली मेम्बर्स बताएंगे। तो इसके सिम्टम्स बहुत ही टिपिकल होते हैं और आसानी से बातचीत करने पर पकड़ में आ जाते हैं। एंड मैम जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिम्टम्स भी बहुत वेरिएंट है, सो ऐसा कौन सा वार्निंग साइन है जब हमें ये सोच लेना चाहिए कि नाउ इट्स अ हाई टाइम, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उसके लिए डिसफंक्शन, जब पर्सन खुद फील करे कि मैं अपनी दिनचर्या या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं नहीं कर पा रहा, मतलब मैं एग्जाम देने टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहाने में 2 घंटे लग रहे हैं, या मैं एडमिट कार्ड चेक करता ही रह गया और मैं उसी को चेक क्रॉस चेक करता गया, रोल नंबर सही लिखा है सही लिखा है, और 2 घंटे उसमें निकल गए। एक तो ये, और दूसरा जब आपके आस पड़ोस के लोग, मतलब क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, लविंग मेंबर्स ये कहने लगे कि नाउ द लिमिट इज क्रॉस, ठीक है, तो डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन दो चीजें हैं जिससे कि लगता है और इंसान को, और देखिए उसी की ऐसा डिसऑर्डर है कि इतने साल चलता है या धीरे धीरे शुरू होता है, तो कितनी बार हम मान लेते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो उतनी ज्यादा सफाई पसंद हो, आई एम ऑब्सेस्ड विद क्लीनलीनेस, तो वो डिस्टिंक्शन कभी कभी खुद से नहीं बन पाता है। तो कभी भी कोई डाउट हो तो आई सजेस्ट कि एक साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से जल्दी मिलना चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सकेंगे ये डिस्टिंग्विश करने में कि इज इट अ डिसऑर्डर और इज इट ओनली अ हैबिट, राइट। बट जब डिसफंक्शन होने लगे तब डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड मैम क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं एसोसिएटेड विद ओसीडी जो हो सकते हैं अगर हमने उसको कंट्रोल में नहीं किया तो? जी देखो, सबसे पहले और सबसे बड़ा रिस्क है वो है सीवियर डिप्रेशन का। जैसे मैंने बोला, मरीज को खुद मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन वो रोक नहीं पाता, रिलीजियस सेक्शुअल की वजह से गिल्ट, फियर, शेम बहुत चुकी है वो। फिर क्या होता है, ऐसे में लोगों को भी जानकारी नहीं है, फैमिली मेम्बर्स चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बहुत क्रिटिकल कमेंट्स आने लगते हैं, तेरी माँ तो पागल हो गई, कितनी बार हमें सुनने में आता है ना, मदर बच्चों को कह रही नहीं चप्पल बाहर उतारो, नहीं चप्पल बाहर उतारो, नहीं उतारते तो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, तो डिप्रेशन बहुत जल्दी सेटल होता है, और कभी कभी डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स, आइडियाज और अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। जी ये तो पहली चीज है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, मरीज इन कामों में इतना बिजी हो जाता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ इम्पेयर होती है, वजन घट रहा है, खाना नहीं खा रहे क्योंकि खाने में लगता है साफ नहीं है, नहाने में इतना टाइम जा रहा है कि वो टाइम भी नहीं बचता और खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो अगर कोई भी फिजिकल हेल्थ में इम्पेयरमेंट हो कि वजन गिर रहा है, भूख नहीं लग रही है, सारा दिन थके थके रहते हैं, चक्कर आते हैं, तब भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इट कैन गेट कन्वर्टेड टू हाइपरटेंशन, इट कैन गेट कन्वर्टेड टू डिफरेंट फिजिकल इलनेस ऑल टुगेदर। एंड मैम ओसीडी का एक कोई मैक्सिमम पीरियड है या फिर वो बहुत छोटे टाइम के लिए भी हो सकती है, बहुत बड़े टाइम के लिए भी हो सकती है? ओसीडी एक ऐसी इलनेस है जो कि ना वैक्सीन वेनिंग कोर्स रहता है, मतलब ऐसे चलेगा, ठीक है, ज्यादातर। अब जब शुरुआत होती है तो कभी कभी वो पीरियड छोटा हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कई साल सिम्टम्स दबे रहे, फिर अचानक से फ्लेयर अप हो तो फिर 2-3 साल तक चलते रहे, तो कोई ऐसी प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्रोनिक इलनेस होती है। कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे पैनिक डिसऑर्डर हुआ, वो थोड़े टाइम के लिए आता है, आपने सही टाइम ट्रीटमेंट लिया तो उसका रिलैप्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन ओसीडी में ऐसा नहीं है और कोई भी फैक्टर प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस डिसाइड कर पाते हैं, जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को ओसीडी है तो प्रोग्नोसिस में नॉट बी दैट गुड, उस केस में ट्रीटमेंट जल्दी सीख करना चाहिए, दवाई जल्दी बंद करना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऑब्सेसिव सिम्टम्स को बहुत डिलीजेंटली करता है तो, है ना, कोई भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर लाइफ में स्ट्रेस से बढ़ सकता है, ओके, तो कोई फैमिली में लॉस हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ,
आपकी खुद की फिजिकल इलनेस भी कोई साथ साथ चल रही है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, सीजर डिसऑर्डर हुआ, उससे भी उसे भी बनता है, ठीक है। तो ये कुछ गुड एंड बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, बट एक चीज पे हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। मैम अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो ओसीडी को लेकर कौन से इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं और टेस्ट क्या है ओसीडी के लिए? जी, तो ओसीडी के लिए जो टेस्ट हैं, एक तो सबसे पहले क्योंकि ये किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो एंजाइटी कॉज करने वाली हम किसी भी मेडिकल इलनेस के लिए टेस्ट कराते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर हुआ, लो हीमोग्लोबिन हुआ, जिन चीज़ों से थोड़ी थोड़ी एंजाइटी बढ़ती है। साइकोलॉजिकली इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिसमें क्वेश्चनेयर के फॉर्म में क्या क्या ऑब्सेशंस हैं मरीज को, क्या पहले थे अभी नहीं है, क्या अभी है, उसकी पूरी एक लिस्ट होती है, लंबी सी, वो असेस किया जाता है और किस किस एरिया में डिसफंक्शन है, मतलब कितना टाइम उसका धोने में जाता है, कितना डिस्ट्रेस उसकी वजह से फैमिली को होता है, तो वो कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चनेयर्स और टेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ओसीडी के लिए बहुत अच्छे अवेलेबल है, एंड ओवर द इयर्स वी हैव एक्सपेंडेड द मेडिकेशन दैट आर अवेलेबल टू अस, तो रेजिम बहुत बड़ा हो गया। कई साल पहले होता था कि सब यू नो लिमिटेड मेडिसिन होती थी, बट आज ओसीडी के लिए हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक साइकोथेरेपीज या जिनको आम भाषा में काउंसलिंग भी कहते हैं, वो भी होती है। Cognitive Behavior Therapy is a specific therapy for patients of OCD. Exposure and Response Prevention is another part of this treatment program. Plus, और तरीके की चीजें भी हैं, अलग अलग काउंसलिंग्स हैं जो OCD में फायदा करती हैं। Okay. And then, alongside the therapies and medication, कोई भी इंसान self-medicate कैसे कर सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए? देखिए, भी बहुत जरूरी है ना? कोई भी चीज़ जो इंसान के आम हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो ही ओसीडी के लिए भी ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप साइकिल, फिजिकल एक्टिविटी डेली करना, डाइट हेल्दी रखना, नशे से दूर रहना, अपने लिए कुछ रिक्रिएशन या प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के लिए समय निकालना, सोशल आइसोलेशन में नहीं रहना, सोशली लोगों से मिलते जुलते रहना, अपने एक अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं। योगा मेडिटेशन कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन हेल्पिंग एलिविएट दी एंजाइटी एसोसिएटेड विद ओसीडी एंड हेल्प अ पर्सन गेन मोर कंट्रोल ओवर हिज थॉट्स एंड बिहेवियर्स इन ओसीडी। ओके, एंड मैम क्या ओसीडी के एंड इन थेरेपीज के, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन है, तो क्या इनकी वजह से ओसीडी का, तो आपने बताया कि बहुत से साइड इफेक्ट्स इस तरह से देख सकते हैं कि हमें स्ट्रेस होता है, इट्स लाइक अ सिम्टम्स, बट अगर हम थेरेपीज करते हैं तो क्या थेरेपीज के भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ठीक है, देखिए ओसीडी की थेरेपी में मैं साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जो कई सालों से एक ही तरीके की चीज़ करता आ रहा है, उसे बोलते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, आप ऐसा नहीं करोगे, आप खुद को रोकोगे, तो उससे कुछ समय के लिए एंजाइटी बढ़ सकती है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट कैन हैपन, बट जनरली हम इन केसेस में पहले दवाइयों से एंजाइटी पूरी कम करते हैं और फिर उनको थेरेपी में इंगेज करते हैं, ताकि ये चीज़ थेरेपी में इनहिबिट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि मरीज अगर सीधा थेरेपी में चला जाता है, जब ओसीडी सीवियर है, माइल्ड केसेस में ओनली थेरेपी कैन हेल्प, सीवियर केसेस में अगर वो डायरेक्टली थेरेपी में चला जाता है, तो कितनी बार वो थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एंजाइटी इतनी हैवी हो जाती है कि वो डर जाता है। ठीक, थेरेपी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेशन के पेशेंट पे सिखाया जाता है कि इन केस आपको लग रहा है टेबल गंदा है, फिर भी आप उसके बारे में टच करो, लेकिन इमीडिएटली वॉश नहीं करो, उससे धीरे धीरे फिर उस समय एंजाइटी होगी तो कैसे शांत करना है, डर लग रहा है तो थॉट्स को कैसे संभालना है, वो सब सिखाया जाता है। कुछ भ्रांतियाँ हैं, लोग समझते हैं कि बस हमें ले जाएंगे और गंदे कमरे में बंद कर देंगे और मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो सही नहीं पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी थेरेपीज हैं स्ट्रक्चर तरीके से लेवल 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 करके बढ़ती हैं, मरीज के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ही शेड्यूल की जाती है कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है। जी, तो थेरेपी से जनरली इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड मैम जैसे किसी भी इंसान को बहुत पता है, ऑलरेडी वो अवेयर है कि उसको ओसीडी है और उसको एंजाइटी भी होती है, उस वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बट
उसको लगता है कि इट्स फाइन, मतलब इससे इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है जी, है ना, उसकी लाइफ तो सही चल ही रही है, वो बीच बीच में हो रहा है. सो इसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को जो ये ओसीडी है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं. तो हाउ टू हैंडल दिस थिंग? देखिए, एज अ पर्सन, एज अ केयर गिवर, मे बी एज अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर, अगर आप कंसर्न हैं तो सबसे पहले तो अगर हम इंसान को ये हाईलाइट कर सकें कि वो क्या लैक कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, कि तो मूवी पे नहीं आ पाया क्योंकि तू तो बाथरूम में था. अगर हम वो हाईलाइट कर सकें कि वो नॉर्मल जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है इस चीज़ की वजह से, चाहे वो कभी कभी ही क्यों ना हो, चाहे वो लिमिटेड थिंग्स के लिए ही क्यों ना हो, मगर अगर वो नहीं होगी तो ये सोच तो कितना मस्त रहेगा. उस तरीके से इफ यू कैन हेल्प हिम रियलाइज हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन पर्सन ऑफ हिज ओन एज, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट ही कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ दिस इलनेस, हाउ इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस, देन प्रोबेबली वी विल बी एबल टू मोटिवेट देम, हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इलनेस एंड लाइफ कैन बी वेरी डिफरेंट विदाउट. मैम, जैसे आपने बात की फ्रेंड्स एंड फैमिली की, तो अगर किसी को ओसीडी है या फिर इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, तो आपने ऑलरेडी बताया कि फ्रेंड्स एंड फैमिली किस तरह से उसको इस तरह से बता सकती है, बट अगर बात करें सपोर्ट की जी, कि जो ये पेशेंट है उसे भी जिसको हुआ है उसको ये ना लगे कि ये मुझे परेशान कर रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है. जैसे आप किसी को बोलते हो तो उनको लगता है कि यार इसको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे क्यों बोल रहा है वो, और उससे प्रॉब्लम मतलब उनको गुस्सा आने लगता है इस चीज़ को सोच के. तो किस तरह से प्यार से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है बिनु जी, क्योंकि कितनी बार पेशेंट्स हमारे पास खुद आते हैं या फैमिली मेम्बर्स को लेके आते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को क्योंकि जानकारी नहीं है कि एक बीमारी है तो वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू ही नहीं कराते. कह देते हैं तो पागल है, ये तो ऐसी ही थी, है ना, इसका तो सर घुमाया फिरा है. तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी है वो है जानकारी बढ़ाना. हर फैमिली मेम्बर को जिसके घर में ऐसा कोई मरीज है, उसे इस बीमारी के बारे में सही जगह से पढ़ना, जानना, समझना ज़रूरी है. अगर आपको फिर भी डाउट हो तो किसी भी नियर बाय डॉक्टर से मिल करके, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल के इसके बारे में सही जानकारी लें कि ये बीमारी है, मेरे रिलेटिव को है कि नहीं, क्या लक्षण है, मेरा क्या रोल है, ये समझें. ये एक डिसऑर्डर है, कोई भी आदमी जान बूझ के दो दो घंटे नहीं नहाना चाहता, कोई भी आदमी अपनी लाइफ ऐसे लिमिट करके नहीं जीना चाहता. फिर जब ये जानकारी आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए कि एक बीमारी है, तो फिर सिंपथी एंड सपोर्ट. बहुत बारी बहुत अग्रेशन में आते हैं फैमिली मेम्बर्स कि हम बार दरवाज़ा पीटते रहते हैं, कल तो हमने दरवाज़ा ही तोड़ दिया बाथरूम का, दो घंटे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. और एक बात आपने और सही बताई, ओसीडी के पेशेंट्स में जब कोई उनको इंटरप्ट कर देता है, वो हाथ धो रहे हैं, वो इंटरप्ट कर दिए, तो उन्हें पूरा प्रोसेस शुरू से शुरू करना पड़ता है. तो ऑलरेडी दे हैव गिवन हाफ एन आवर, नाउ अनदर वन आवर दे विल हैव टू गिव. तो दिस कैन बी मोर हार्मफुल देन गुड. नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज कि जब भी ऐसे पेशेंट्स की थेरेपी चलती है तो बहुत बार फैमिली मेम्बर्स को उनका को थेरेपिस्ट भी बनाया जाता है. ठीक, उसमें आपकी मदद ली जाएगी कि कैसे आप पेशेंट की हेल्प करेंगे ऑब्सेशन से, कंपल्शन से बाहर निकलने में. क्या आपको मॉनिटर करना है, क्या आपको मोटिवेट करना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है. तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक तरीके से ओपन माइंड से सही जानकारी के साथ अपने रिलेटिव की, फैमिली मेम्बर की सहायता करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहता है तो इंसान जल्दी से बाहर निकल सकता है. अब इसी के साथ साथ इसका ऑपोजिट पहलू भी है. कई बार ओसीडी के पेशेंट्स जब अपने आप करते करते थक जाते और फिर भी कन्विंस नहीं होते तो अपने फैमिली मेम्बर से कराते. ठीक है कि नहीं, तो यहाँ खड़े होकर देख, मैंने सही से हाथ धोए हैं क्या. तो बच्चा पढ़ाई छोड़ के मम्मी के पास खड़ा है, और जब तक वो नहीं कह देगा कि हाँ मैंने अच्छे से देख लिया आपके हाथ धुल गए, तब तक मम्मी वहां से नहीं हटेंगी. तो कितनी बार ओसीडी का बढ़ाने का हिस्सा भी परिवार वाले अनचाहे रूप में भर जाते हैं. उन्हें तो ये चाहिए मम्मी बस जल्दी से आए और खाना खाए, उन्हें तो सही गलत बीमारी वगैरह नहीं पता, तो वो कितनी बार बीमारी को बढ़ावा भी देने लगते हैं. ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर से मिलकर के बातचीत करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, और अगर ऐसा देखते हैं ओसीडी के अगर कोई भी सिम्टम देखते हैं तो बहुत ही प्यार से, सिंपथी से इसको हैंडल करना पड़ेगा. अगर एग्रेशन दिखाएंगे तो वो और चीज खराब भी हो सकती है, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी एंशियस है, तो वो फिर एक प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है.
मैम जैसे जब थेरेपीज लेते हैं या फिर मेडिकेशन लेते हैं ओसीडी की, तो क्या कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है या फिर कुछ कंसिडरेशंस करने की जरूरत है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जरूर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ओसीडी की मेडिकेशंस आज हमारे पास बहुत वाइड हैं, बहुत सारी हैं और बहुत बहुत सेफ हैं। कई साल पहले कहा जाता था कि बस साइकियाट्रिस्ट तो दवाई देके नींद की सुला देते हैं, आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास साइंटिफिकली रिसर्च की हुई दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिकली सेरोटोनिन पे, स्पेसिफिकली नॉरएपिनेफ्रिन पे, स्पेसिफिकली डोपामाइन पे जाके असर करती हैं। इनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, अच्छे से मतलब मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो ये है कि आपने दवाई शुरू की तो दो चार दिन नौजिया सा रहेगा, हो सकता है थोड़ी सुस्ती रहे, थोड़ा सर भारी रहे, लेकिन जनरली अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में दवाइयाँ खाते हैं तो डॉक्टर डोजेस मॉडिफाई करते रहते हैं, है ना। नंबर दो, रेगुलर चेकअप्स भी कराते रहते हैं, तो कोई भी लिवर पे, किडनी पे कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट की एकदम आ जाए ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन खाते हैं, अपने आप डोजेस बढ़ाते जाते हैं या सालों साल खाए जा रहे हैं बिना किसी को दिखाए, तो साइड इफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है। बट ऑल सेड एंड डन, क्रोसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। वही क्रोसिन जो हम सभी खाते हैं, हो सकता है 1000 में से एक आदमी का उससे लिवर फेल भी हो जाए, है ना। तो सर्टन थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल, बट जनरली हमारी ओसीडी की दवाइयाँ बहुत सेफ हैं। एंड रिस्क और बेनिफिट की जब हम बात करते हैं, बेनिफिट आउटवे द रिस्क। जो मरीज ओसीडी से जूझ रहा है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब ओसीडी से बाहर निकलता है। तो अगर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हम मॉनिटर करते रहें उनके लिए और चलते रहें आगे, तो ये फायदेमंद ही है। और दवाइयों को इसलिए नहीं नकारना चाहिए कि हमको थोड़ी दुविधा है, कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैम कितने टाइम में एक ओसीडी का पेशेंट ठीक हो सकता है? देखिए पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितनी जल्दी मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फैमिली सपोर्ट बहुत काम करता है और मरीज की अपनी विलिंगनेस बहुत काम करती है कि नहीं, अगर मेरे को इससे बाहर निकलना है। जनरली 6 से 8 हफ्ते में दवाई से धीरे 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 फर्क आने लगता है। कोई कोई पेशेंट्स होते हैं जो कुछ वजहों से, चाहे वो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल, थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें एक दवाई और डालनी पड़ती है या दवाई चेंज करके देखनी पड़ती है। लेकिन साइंटिफिक गाइडलाइंस जो रिसर्च के बाद बनाई गई है, वो कहती है 6 से 8 हफ्ते में इफेक्ट आना शुरू होता है और 3 से 4 महीने में अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और जब अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद भी ओसीडी के मरीज में 1.5 साल या 1.5 साल दवाई चलाई जाती है ताकि वापस से रिलैप्स होने का खतरा बहुत कम हो जाए। ओके, तो अगर हम मेडिकेशन ले रहे हैं तो हमें बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। स्लो एंड स्टडी आराम से वो हो जाएगा। मैम मुझे लगता है कि आज इस इंटरव्यू से बहुत अवेयरनेस आई होगी ओसीडी को लेकर हमारी ऑडियंस को। एंड आई वांट टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू एंड मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारा जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, उनको आप कोई एडवाइस या फिर सजेशन दें जिनसे कि वो समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम उनको हो रही है। देखिए मैं सभी से 2-3 बातें कहना चाहूँगी। पहला तो ये कि ओसीडी बीमारी है, जैसे हमने शुरू में बात की, कोई नॉर्मल ऑब्सेशन हैबिट या लाइफस्टाइल नहीं है। ओसीडी एक डिसऑर्डर है, जो भी डिसऑर्डर है उसका इलाज होता है। नंबर दो, ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, ये कभी भी किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, आदमी को, औरत को हो सकता है, तो शर्माना या हिचकिचाना नहीं है। नंबर 3, इलाज है, बहुत अच्छे इलाज है और बहुत कारगर इलाज है। तो आप स्वयं या आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आपको लगता है हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जाइए डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट सीख लीजिए। हम पहले ही बात कर चुके हैं, दवाइयाँ बहुत सेफ हैं, थेरेपीज बहुत अच्छी हैं। हमने बात की कि फैमिली मेम्बर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ देखते हुए बस ये याद रखें कि कोई भी मेंटल इलनेस हो, चाहे वो ओसीडी या कोई और एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई भी हिचकिचाने की, शर्माने की, एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन होता है, ऐसे किसी को ओसीडी भी हो सकता है। ये सब यहाँ कुछ केमिकल डिस्टर्बेंसेस का खेल है, है ना। आप 3 भाई बहन है, किसी के भी 3 में से एक ही को डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा। ऐसे ही आप 4 भाई बहन है, आप में से एक ही को ओसीडी हो सकती है क्योंकि सेरोटोनिन नहीं बन रहा। तो उसी नज़रिए से इसको देखिए कि इट इज़ ऑल एंटायरली बायोलॉजिकल।
ये कोई वहम नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है और इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्लीज सीक ट्रीटमेंट इन टाइम। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस सो मच गुड इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच विदुषी, थैंक्स अ लॉट एंड आई विश ऑल आवर व्यूअर्स अ हैप्पी एंड अ हेल्दी ईयर अहेड। थैंक यू मैम।